नमस्कार, आप लोग देख रहे चैनल वन और मैं हूं संदीप मिश्रा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूं। आज दिन भर की बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया, और यह एनकाउंटर तब हुआ जब उमेश पाल हत्याकांड में दोषी पाए जाने के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पेशी जो है वो कोर्ट में हुई थी। एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को जो है यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं आपको दूसरी खबर की बात करते चले तो आज गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की, और जम्मू कश्मीर प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। साथ ही साथ LG मनोज सिन्हा और NSA अजीत डोवाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, और जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग के महानिदेशक दिलबाग सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। इसके साथ ही साथ आपको तीसरी खबर भी बताते चले कि आज जम्मू के प्रेस क्लब में उद्धव बालासाहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई और सैनिक समाज पार्टी के तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता की गई, और जिसमें उन्होंने कहा कि सारे मुद्दे जो है उनको लेकर के उन्होंने आपस में जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, और आने वाले चुनावों में जो है वो जनता के बीच में जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी पंजाब हिमाचल अगर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तो कम से कम चंडीगढ़ की तर्ज पर जो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी तर्ज पर यहाँ पर जो है सैनिकों का सम्मान किया जाए। इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, एक साथ हम जाएंगे, हर प्लेटफार्म पर एक साथ लड़ेंगे, और जितने भी जनता की जो है आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति की भी हम तमाम दोनों पार्टियां एक साथ आज शपथ लेती हैं कि एक बेहतर विकल्प बनकर जनता के सामने आए। के साथ ही साथ आपको बताते चले कि बैसाखी और भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के जो है जम्मू शहर में तैयारियां काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि कल ही बैसाखी का पर्व है, और जम्मू के मुबारक मंडी में जो जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग है उनके द्वारा डोगरी फेस्टिवल भी लगाया गया, और तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वो वहाँ आएँ और जो इस फेस्टिवल का है वो लुत्फ उठाएँ। तो ये थी दिन भर की कुछ बड़ी खबरें, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल वन। नमस्कार।